नमस्कार, पांच की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएं। आज देश भर में होली का जो ये त्योहार है, रंगों का त्योहार, धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रंगों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे देश में किस तरह से इस बार की होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी होली की मस्ती में दिख रहे हैं। हर जगह रंगों की बौछार है। सरहद की सुरक्षा में लगे जवान भी आज होली मना रहे हैं। इसके अलावा गांव की गलियों से लेकर मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज तक में लोग रंगों से सराबोर हैं। तो सरहद पर भारत की सुरक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिक भी होली मना रहे हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की, किस तरह से आज होली जो है वो देश भर में मनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात सियासत की करते हैं। सियासत से जुड़ी खबरों की ओर रुख करें तो यहां पर दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी मामले में ईडी ने तेलंगाना की सीएम की बेटी के कविता को समन भेजा है। 9 मार्च को पेश होने के लिए इनसे कहा गया है। ईडी ने के कविता के करीबी अरुण आर पिल्लई और सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। See, it's been 7-8 months now, not one or two days. They're constantly trying to drag my name into various issues. Well, I would only leave it to the, decision of the agencies, how transparent they want to be, or they want to play dirty by just leaking out information which was never done earlier. People are actually going to the court saying that our privacy should be protected and things should not be leaked, etc. So if the confidence on agencies is gone, then there is no sanctity left to what they do. Already CBI, ED, IT, we've seen have been used by the current regime in contrast to the earlier Congress regime. Congress also did that to an extent. But if Congress raided 200 people, these guys have raided 20,000 people. उधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को एक षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां देश के सबसे खतरनाक और हिंसक अपराधी बंद है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल नंबर 1 में ऐसे अपराधी हैं जो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। लाख षड्यंत्रों के बाद भी मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सके, यानी कि मेडिटेशन कर सके, ध्यान लगा सके। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर इन वेटिंग सौरभ भारद्वाज, जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि मनीष सिसोदिया की हम भारतीय जनता पार्टी हत्या करना चाहती है जेल के अंदर, ये किस तरह का आरोप है? ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें सोचना तो आप लोग भी सोच सकते हो, हम भी सोच सकते हैं। सबको मालूम है कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है, और हम सबने देखा कि किस प्रकार से अभी अभी रिजाइन हुए मंत्री सत्येंद्र जैन जिस प्रकार से रिजॉर्ट की तरह वहां मजे ले रहे हैं, सबने देखा तिहाड़ जेल के अंदर मजे ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि इस तरह का आरोप लगाने से पहले कि तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल तो आपके पास है। दूसरी बात आपने करी कि हम एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हमने अंदर रखा है, हमने अंदर नहीं रखा, कोर्ट ने अंदर रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। उधर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केजरीवाल शाम तक लगातार ध्यान करेंगे और इससे पहले आज केजरीवाल राजघाट भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल अस्पताल बनाने वालों को पीएम जेल भेज रहे हैं और देश की स्थिति को लेकर वो चिंतित हैं।
मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज विपक्षी दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को राहत देने की मांग कर रहे थे। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो किसानों को हुए नुकसान की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी। उधर पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके ये मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। दरअसल राज्य सरकार पर वादे पूरे ना करने के आरोप लगाते हुए 3 शहीद जवानों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के तहत ही शहीदों के परिवार को राज्य सरकार तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। देखिए, 8 दिनों से जो पुलवामा में जो 3 लोग शहीद हुए थे उनके परिवार के साथ जयपुर में धरना चल रहा है और इस धरने में किरोड़ी लाल मीना जो है वो इन वीरांगनाओं को लेकर कुछ मांगों को लेकर 8 दिन से जयपुर में पहले तो शहीद स्मारक पर बैठे थे और उसके बाद में सचिन पायलट के घर के बाहर बैठे हैं। इनमें जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं, एक जो वीरांगना है उसकी मांग है कि उसकी देवर को नौकरी मिले। दूसरी जो मांग है उसमें ये है कि उन्होंने मूर्ति अपने खर्चे से लगा दी है लेकिन उसके चारों तरफ एक बाउंड्री की जाए और एक की रोड की मांग को लेकर है। पहले शहीद स्मारक पर बैठे थे, वहां पर राजेंद्र गुड़ा इनको मिलने आए, उसके बाद में वो सचिन पायलट के घर पे गए थे और सचिन पायलट ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि इनकी डिमांड्स पर गौर किया जाए। और फिर जब राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत वहां पर पहुंचे हैं। इन महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस ने अभद्रता की थी, धक्का मुक्की हुई थी, उसमें सरकार ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि ये एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट था, कहीं उन्होंने जबरन घुसने की कोशिश की हो और वहां पर हाथापाई या खींचातान हुआ हो तो उसमें सरकार ने एक तरफ से आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात एक ट्वीट के जरिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने ये पहले तो उन्होंने जो सारा पैकेज है उसका उन्होंने विस्तृत में जानकारी दी है। नौकरी की बात है, कैश की बात है, फ्लैट है, जमीन है, ये सारी बातें उन्होंने कही है। जो भी शहीद होता है एक्शन में या जो भी सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो खासकर जो कोई एंटी टेरर ऑपरेशन हो या कोई एक्शन हो तो उसमें किस तरह से उनको सरकार एक पैकेज देती है, एक वेलफेयर पैकेज। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि जहां देवर की मांग है, देवर जो देवर है उसको नौकरी दी जाए, तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है कि वो जो विधवा लेडी है उसके किसी तरह से हक के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विधवा लेडी है, हम जानते हैं कि कई समुदाय में राजस्थान में खासकर अगर बड़ा भाई की मृत्यु हो जाती है तो कभी कभी एक तरह से सामाजिक रीति और रिवाज ऐसे भी हैं कि वो जो भाभी है उसकी शादी देवर से भी कर देते हैं। कभी कभी वो लेडी अपना घर छोड़कर भी चली जाती है। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा है कि ये जो वेलफेयर है ये या तो महिला को दिया जाए और अगर उनका बच्चा है, अगर गर्भ में भी बच्चा है तो ये नौकरी उस बच्चे के लिए सुरक्षित रखा जाए जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने कहा है कि वो ये परंपरा नहीं शुरू करना चाहते हैं कि देवर को नौकरी दी जाए, क्योंकि एक बार अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो ये परंपरा जारी रहेगी। और जहां तक और जैसे उन्होंने समझाया कि समाज में कई रीति रिवाज ऐसे हैं जिससे वो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीशन लिया है कि जो पैकेज है, जो वेलफेयर पैकेज है खासकर नौकरी का, वो सिर्फ जो विधवा होती है या उसके बच्चों के लिए रखा जाए। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि आप एक शहीद की एक मूर्ति लगा सकते हो और उनमें से जो एक वीरांगना है उसकी ऑलरेडी 3 मूर्तियां लग चुकी है, तो इस बात को उन्होंने गौर करने को कहा है। और जहां तक रोड का सवाल है शायद उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो कई योजनाएं हैं और रोड बनाने की योजना रहती है। तो बहुत ही
और उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि उन्होंने कहा है कि इन महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और उन्होंने कहा है कि सब लोग शहीदों की जो विधवाएं होती है उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिलहाल कल शाम को एक महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस कमिश्नर खुद वहां पर गए थे और उनको काफी सुविधा पहुंचाई गई थी, लेकिन फिलहाल इनकी जो मांग है, जो महिलाएं हैं, जो वीरांगनाएं हैं, इनकी मांग है कि ये सारे जो आश्वासन उनको दिए गए हैं ये लिखित में दिए जाए। अब आपको दिखाते हैं होली का रंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कैसा चढ़ा। दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राजनाथ सिंह ने रंग गुलाल के साथ जमकर होली खेली और होली के मौके पर जुटे नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर होली के इस रंग में सराबोर नजर आए। एक ही रंग में रंगे हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एस जयशंकर, किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी राजनाथ सिंह के घर पहुंचकर होली के रंगों से सराबोर हुए। मनोज तिवारी ने इस मौके पर फाग और चैती गीत भी गाए। और कुछ और तस्वीरें आप देखिए राजनाथ सिंह के घर पर जो होली का कार्यक्रम हुआ, वहां की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी अवैध मंत्री जीन रेमोंडो के साथ भी फिरके और अमेरिकी विदेश मंत्री रेमोंडो भी होली के रंग में पूरी तरह से सराबोर यहां पर नजर आए। अगर होली की बात हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होली हर साल यादगार होती है। इस साल भी ये होली यादगार है। आप देखें कि अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सामने खड़ी हुई हैं पीयूष गोयल के साथ। वो खास मेहमान इस बार राजनाथ सिंह के यहाँ घर पर आई हैं और सामने जो लोक कलाकार गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो वहाँ पर तालियां बजा रही हैं। तो ये यहाँ पर पीयूष गोयल हैं और अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जो है आप देखेंगे साथ में है, और होली का जो है पूरा मजा यहाँ पर लिया जा रहा है और तमाम जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। और सामने देखें तो आप ये सामने राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, किरण रिजिजू हैं, अनुराग ठाकुर हैं, तमाम जो यहाँ पर बीजेपी नेता हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और विदेशी मेहमान का होली के मौके पर खास तौर से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर रंग और गुलाल के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर गुलाल भी है, फूलों की होली भी है, इको फ्रेंडली होली। आप देखें कि यहाँ पर फूल रखे हुए हैं तो इको फ्रेंडली होली खेली जा रही है और साथ में जो विदेशी मेहमान आए हैं उनका यहाँ पर खास तौर से स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर राजनाथ सिंह खास तौर पर अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो सामने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और नेता हैं बीजेपी के, राजनाथ सिंह का परिवार है, और इधर आप देखें तो लोक कलाकार आप देखें किस तरह से मंचन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और इस तरह से होली का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ एक यादगार तरीके से राजनाथ सिंह के यहाँ मनाया जा रहा है। हर साल राजनाथ सिंह खुद होली में शामिल होते हैं और खूब होली खेलते हैं गुलाल के साथ, अबीर के साथ, और इस साल भी ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से होली के सेलिब्रेशन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के गढ़ी गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने सामूहिक होली का आयोजन किया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, वहां से आप देखिए। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के गढ़ी गांव में और यहां पर आपको दिखाता हूं कि कैसे गुर्जर समाज के लोग पारंपरिक होली खेलते हैं। यहां पर आप देखें कि किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को रंग लगा रही हैं, भले ही घूंघट में हों लेकिन महिलाएं पुरुषों को रंग लगा रही हैं और पुरुष महिलाओं को रंग लगा रहे हैं, बच्चे भी हैं। तो अबीर और गुलाल लेकर ये जो रंग है वो लगाया जा रहा है और महिलाएं जो है यहाँ पर डांस भी कर रही हैं, होली के गाने चल रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर होली मनाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि होली किस तरह मनाते हैं, आपके समाज में जो होली है वो किस तरह से मनाते हैं और गांव के माहौल में होली का अलग ही मजा होता है। पहले तो हम लोग क्या नाम है, वैसे कीचड़ वगैरह से खेलते थे, अब हम लोग
सारे पारिवारिक लोग हैं इकट्ठे हो गए, सब रंगों के साथ खेलते हैं और ऐसे ही हम लोग परिवार के साथ सब मिलजुल के होली खेलते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से रंग लगा रही हैं। होली का अलग मजा है गांव के माहौल में, बहुत अलग मजा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। होली मन रही हमारी तो ऐसी बहुत ज्यादा। कुछ बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर गली में समाज के बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अलग अलग गांव से भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम बैसोया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो पारंपरिक होली है, खासतौर से गांव की होली, गुजर समाज की होली, कितना बदलाव हुआ है पहले से और अब में होली में? अब तो काफ़ी बदलाव हो गया। पहले कुटुंब छोटा था, गाँव छोटा था, तो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे। हमारी एक चौपाल है, चौपाल पे वो बजता था, बम बजाते थे सब मिल करके। अब थोड़ा फैमिली बड़ी हो गई है, पैसा भी आ गया है, अब अलग अलग फैमिली वाइज मनाने लगे हैं इसको। और पहले हमारे एक माँ से जनार्दन हुआ करते थे जो होली गाया करते थे, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया करते थे, वो अब एक्सपायर हो गए। उनके बाद थोड़ा गाना बजाना कम हो गया, बाकी मनाते एक महीना पहले से ही है इसको। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से समाज में बदलाव हुआ है, जमाना जो है मॉडर्न हो गया है, उसके बाद होली मनाने के तरीके ज़रूर बदले हैं, लेकिन जो लोगों का जोश है, जो उनकी उमंग है, वो नहीं बदली है। और यहाँ पर आदमी की किस तरह से चाहे बच्चे हों महिलाओं हों होली मना रहे हैं, और एक तरफ जो गांव के बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर जो बच्चे हैं और ख़ास तौर से युवा हैं वो होली बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। रंगों का त्यौहार है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। बनारस के घाटों की तस्वीर भी अब आप देखिए, यहाँ पर भी होली जो है वो जमकर हो रही है। और एक तरफ जहाँ लोग ढोलक और मंजीरे के साथ असुरों की होली जोगीरा के बोल के साथ जो है मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। होली का रंग ऐसा है कि हर कोई एकाकार होकर उसकी मस्ती में डूबा हुआ है। Thank you.